जस्टिस लोया का केस बहुत इनफेमस हो गया है पर वो इनफेमस इसलिए हुआ क्योंकि जस्टिस लोया शायद गुजर गए बट सबवर्जन अलग अलग लेवल पे हो रहा है जिस तरीके से जजेस की अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में स्पेशली और ओपेसिटी की बात जहाँ तक करें जुडिशी की बहुत ज़्यादा रही है और जुडिशल रिफॉर्म्स जब तक नहीं होंगे इस देश में तब तक जुडिशरी को अकाउंटेबल बनाना भी डिफिकल्ट हो जाएगा और इस सरकार ने ये किया है कि इस ओपेसिटी का बहुत फ़ायदा उठा उठाया है आ, अगर आप आ, कहर की बात करें जस्टिस कहर की बात करें और उनका रोल आ, जस्टिस दीपक मिश्रा का रोल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे जब सवाल उठने लग जाए मतलब कि आप एक बहुत ज़्यादा खतरे में हैं और जब वो चार जजेज निकले थे और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था एक अपेक्षा जागी थी कि जुडिशल अकाउंटेबिलिटी की बात होगी और सरकार इस जुडिशल अकाउंटेबिलिटी में शायद आगे बढ़ के आएगी पर उन्हें उसी ओपेसिटी का फ़ायदा उठा के वापस उन्हीं लोगों को पावर अपॉइंटमेंट्स किए हैं जो प्रो गवर्नमेंट रहे हैं और वो गवर्नमेंट रहेंगे और इसके कारण देश में जो न्याय प्रक्रिया की बात होती है जो मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की प्रोटेक्शन की बात होती है जो जस्टिस अयर कृष्ण अयर जैसे जजेस ने uh, जस्टिस ज़िज़िज़ भागवती जैसे जजेस ने इंशोर किया था वो इंशाइंड हो जाए कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट्स में वो शायद आगे बढ़ के नहीं आएगा आप देख लीजिए कि अगर हम जस्टिस गोगोई की ही बात करें तो आप देख लीजिए कि इस काइंड ऑफ ऑर्डर्स वो पास कर रहे हैं इसी पूरे इलेक्शन uh, प्रोसेसिस के ऊपर ही रिफ्यूज टू हयर अबाउट नमो टी वी ही रिफ्यूज टू हेयर पास ऑर्डर्स ऑन द मोदी की मूवी जो थी तो ही इज क्लियरली प्लेइंग टू द गैलरी एंड अगर आपको गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना है तो जुडिशरी को तो हैज़ टू बी द थर्ड पिलर क्योंकि फोर्थ पिलर तो गिव अप कर ही चुका है